रोज रिंग पैरिकेट्स हैं, बहुत सारी हैं वहाँ पे। तरफ एक वुड पिकर बैठा हुआ है, मैं उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। इस एरिया में वॉक कर रहा हूँ, आसपास का जो एरिया है यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से वॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वुड पिकर मिला है। मैं आपको वुड पिकर दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो बैठा हुआ है, देख रहे हो सामने की तरफ बैठा है इधर। आसपास रोज़ रिंग पैरिकेट्स भी हैं, अगर मुझे उसकी वीडियो मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं फॉरेस्ट के अंदर से आया था, मुझे कुछ नहीं मिला। ये जस्ट फॉरेस्ट का आउटर वाला पार्ट है, पास ही मुझे काफ़ी बर्ड्स मिल रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला आज। पैरिकेट्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पर थोड़ी दूर है, पहले इसकी रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो सामने की तरफ रोज़ रिंग पैरिकेट जो मैंने आपको बताया था, वो सारी की सारी ऊपर पेड़ में बैठी हुई हैं, बहुत सारी हैं। ग्रुप ग्रैदिंग, आप आवाज़ सुन सकते हो, जस्ट थोड़ी दूर ऊपर को है और डिस्टर्बेंस नहीं हो रही उनको। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही है मेरी, ये देखो सामने वाले पेड़, ये जो आपको सूखा पेड़ देखो ऊपर कितने सारे बैठे हैं, ये देखो ब्यूटीफुल, उड़ गया वहाँ से। वीडियो रिकॉर्ड भी करी है, मैं आगे भी करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सामने की तरफ एक ड्रोंगो बैठा हुआ था, फुल ऑफ ब्लैक और नेवी ब्लू का शेडिंग के साथ ब्यूटीफुल बर्ड्स थी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, मैं आपको उसकी फुटेज दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठी थी जस्ट सामने वाले पेड़ में, तो ये देखो ये बैठी है। वहाँ पे रोज़ रिंग पैरिकेट्स बैठा था, जस्ट अभी उड़ गया वहाँ से, फिर रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। सामने वाले ट्री जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में पीछे, उधर बहुत अलग अलग तीन टाइप की बर्ड्स एक ही उसमें बैठी थी, साथ में ड्रोंगो थी, डॉव थी और आपकी पैरिकेट्स थी। और पीछे जो जो आपको ये वाला ट्रीज दिख रहा है सामने, इस ट्रीज में बहुत सारे आपके पैरिकेट्स बैठे हुए हैं। ये रोड है, छोटी सी जगह पर बहुत कुछ मिल गया आज, एक घंटा और वेट करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, ट्रैक्टर्स की अलग अलग ह्यूमंस की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर गांव है, मैं ज़्यादा जंगल के अंदर पे नहीं हूँ, गांव है आसपास। मैं आपको बता दूं, इस पीछे बैकग्राउंड में जो लोकेशन है यहाँ पे गांव है, मैं एंडिंग में आपको गांव भी दिखा दूंगा यहाँ से क्या है, ठीक है। आसपास एक मंदिर भी है, उस मंदिर में काफ़ी लोग हैं इस टाइम फ़िलहाल, और ज़्यादा दूर नहीं है लोग यहाँ से, काफ़ी कम है।
तो वहाँ पे बहुत सारी रोज रिंग पैरिकेड्स हैं, बहुत सारी हैं वहाँ पे। फर्स्ट टाइम मुझे इतनी सारी मिली, सीरियसली बोलूँ तो 30-40 पैरिकेड्स एक ही एरिया में घूम रहे हैं, मेरे पीछे भी हैं, मैं देख पाता हूँ अभी सबको। तो यहाँ पे मेरी अभी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करके छोड़ दिया है, वहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए उस एरिया में जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ पे 3 पैरिकेड्स हैं अलग अलग कलर के, ब्राउन, रेड और जो ग्रीन नॉर्मल होती हैं, तो वो सारी बैठी हुई हैं। मुझे छोटे से एरियाज़ में बहुत कुछ मिल गया। और ये गांव वाला एरिया, यहाँ से जस्ट या देख रहे हो रोड है, यहाँ से सीधे यहाँ से लोग भी चलते हैं। तो ये फ़ोटो वॉक थी, इवनिंग की फ़ोटो वॉक थी। जो टाइम हो रहा है अभी 4:30, एकदम 4:30 का टाइम हो गया, पूरा 4:30 बज चुके हैं। मैं 30 मिनट्स और वेट करूँगा। ड्रोंगो भी उड़ रही है वहाँ बहुत सारी, मैं पहले ड्रोंगो की पिक्चर क्लिक करके आता तो अभी रात का टाइम हो रहा है काफ़ी, इतना भी ज़्यादा रात नहीं हुआ है, मतलब डल हो रहा है सनलाइट, आपकी जो सन है वो डाउन हो चुका है। मैंने इसमें ISO को जो है वो हाई कर रखा है, बढ़ा रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा रोशनी सी लग रही है। तो बैकग्राउंड में डव जो होती है, वाइल्ड डव, उसकी मैं रिकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और फ्रेम देखो किस तरीके का, अभी जस्ट उड़ गया यहाँ से। आपको बोला उसी टाइम वो उड़ गया वहाँ से, तो ढल रहा है, बट मुझे उतना डर नहीं है क्योंकि मैं अभी गांव के आसपास ही हूँ, फॉरेस्ट के एकदम कोर जोन में या अंदर पे नहीं हूँ। थोड़ा सा आगे और वॉक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सामने की तरफ चलते हैं और वॉक करते करते इधर पीछे ड्रोंगोस थी बहुत सारी, उसकी लोकेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे वो ड्रोंगोस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अजीब सी आवाज़ सी है, साउंड सुन रहे हो कितने ज़्यादा पैरिकेड्स हैं आसपास। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, दिखाता हूँ आपको। हमने बहुत सारी डव्स हैं, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब फिर भी एक अच्छा खासा दूर है। अगर मेरे पास और ज़्यादा फोकल लेंथ होती तो मेरे लिए आज बहुत अच्छी चीज़ थी। मेरे पास 500 mm है, बट उससे ज़्यादा अगर फोकल लेंथ होती, अगर ये एक फिक्स प्राइम लेंस होता ना तो और ज़्यादा क्लियर इमेज आती, और अगर ये बॉडी मिररलेस होती तो और अच्छा कंपोजिशन निकल पाता, क्योंकि मैं उसको क्रॉप कर सकता था और वो जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती। बट इसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जितना भी फिक्स है उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, बट अगर मैं उससे ज़्यादा करता हूँ तो वो ख़राब आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे, हाँ दिखाता हूँ, ये देखो जो मैंने अपना शटर स्पीड रखा है 1/500 रखा है, अपर्चर 7.1 है, जिसमें फोकस जो है थोड़ा अच्छा हो रहा है, और जो ISO वो 8000 रखा है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मतलब जो बैकग्राउंड है ना वो सामने आपको दिखाता हूँ कौन सा लोकेशन है। वो जो आपको दिख रहा है पीछे देखो, बैकग्राउंड कितना ज़्यादा लाइट है, और वो एरिया को फोकस में नहीं ले पा रहा था, वो मतलब अच्छा नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने ISO थोड़ा बढ़ाया है। ठीक है, तो ये फुटेज आ रही है। बट आज का जो मेरा फ़ोटो वॉक था, या अभी तक का लाइफ का, मतलब अभी तक मैं जितनी बार वाइल्ड लाइफ किया तो फोटो वॉक के हिसाब से मेरा सबसे अच्छा दिन था ये, क्योंकि इस बार मैं छोटी सी जगह पे ज़्यादा वॉक भी नहीं किया मैंने, एटलीस्ट मैंने 200-400 का वॉक किया, उसमें मुझे इतनी अच्छी स्पीशीज़ मिल गई, बहुत सारी अलग अलग टाइप की, ड्रोंगोज मिले, डव मिले, पैरिकेड्स मिले, अलग अलग चीज़ें मिली मुझे। 441 दिख रहा होगा, पता नहीं कैसे 441 हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं गांव की तरफ आगे की तरफ बढ़ूँगा,
जहाँ पे मंदिर वाला एरिया है उधर मैं चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी बाइक रखी हुई है, वहाँ से मैं आगे तरफ घर की तरफ निकलूँगा। यहाँ थोड़ा सा वॉक करना है मुझे, एटलीस्ट 400 मीटर्स का वॉक करना है, तो उस वॉक के बीच में अगर मुझे कोई भी बर्ड्स मिलती है तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो बाकी यहाँ से जब मैं पहुँच जाऊँगा तो उसके बाद मैं आज के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो आपका 5 कम्प्लीट पूरा 5 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर और वेट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी जो भी हो फॉरेस्ट में तो हूँ ना, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। हाँ देखो बूथ पिकर्स हैं अभी भी, बट निकलना ही पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। ठीक है, पूरा पीछे देखो, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता, ये ऐसे रास्ते नीचे की तरफ जा रहा है। मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ आपको, वो देखो हल्का हल्का मंदिर दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट वो देखो वाइट वाइट सा दिख रहा है वो कोने में, ये देखो मंदिर है, ये जो कोने से हल्का सा दिख रहा है, यहाँ से वॉक करते हुए निकलना है सीधे, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। सामने से रास्ता है ये देखो ऐसा, मंदिर के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, जैसा मंदिर वाला एरिया है ये। तो जब मैं फ़ोटोग्राफी करने अंदर गया था तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, उस एरिया में मुझे कुछ भी नहीं मिला, बट क्या बात है कि पता नहीं, मैंने सोचा कि आज का दिन ठीक नहीं है, बट जैसे ही मैं घर की तरफ वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्ड्स मिले जो आपने वीडियो में देखी। मैंने अंदर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था कि आज कुछ नहीं मिल रहा है। फॉरेस्ट के अंदर चीज़ें मिलती हमेशा, बट आज नहीं मिली, कोई भी बर्ड्स नहीं मिल रही थी मुझे, सिंगल एक बर्ड्स भी नहीं मिल रही थी यार। बट जब मैं वापस की तरफ ज़्यादा ट्रैक कर रहा था तो मुझे रास्ते में बहुत कुछ मिल गया, 400 मीटर्स से भी कम के एरियाज़ में इतनी सारी चीज़ें मिल गई जो अपनी पूरी वीडियो में देखा। ठीक है, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, लग बहुत अच्छा था, दिन क्या बोलूँ, हाफ डे था, पूरा का पूरा बहुत अच्छा था। तो ठीक है, मंदिर पहुँच चुके हैं, यहाँ से मैं घर की तरफ वापस ट्रैक कर लूँगा, आगे बहुत सारे लोग हैं तो मैं ब्लॉगिंग वहाँ जाके नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि एज अ वाइल्ड लाइफर मुझे सीरियसली बोलूँ नेचर से ज़्यादा प्यार है, बट ह्यूमन के आसपास मैं इस तरीके से बोल नहीं पाता। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।